मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का 13वां पाठ लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। पाठ का नाम है एक तिनका। बच्चों, ये एक तिनका एक कविता है और बड़ी सुंदर कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि मनुष्य को घमंड ना करने की शिक्षा देता है। और कवि के विषय में मैं आपको बताऊं कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये एक प्रसिद्ध रचना है। प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से वैदेही वनवास, चुभते चौपदे, चौखे चौपदे आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हिंदी के सुप्रसिद्ध कवियों में से एक माने जाते हैं और साहित्य आकाश में सबसे अग्रणी इनका नाम लिया जाता है। आइए इनके माध्यम से, इनकी पंक्तियों के माध्यम से, एक दिन का कविता के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कवि ने घमंड ना करने का संदेश दिया है। कविता में एक साधारण घटना के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि मनुष्य को घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी तुच्छ सी वस्तु का भी मनुष्य सामना नहीं कर पाता और उसके आगे उसको विवश होना पड़ जाता है, तो वह बहुत कष्टों का सामना करता है, घने कष्ट में फंस जाता है। देखिए इस कविता के माध्यम से, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। स्वयं मैं का मतलब होता है घमंड से, मैं अभिमान का प्रतीक भी है, इसलिए मैं घमंड से, मनुष्य स्वयं कह रहा है मैं से भरा हुआ अर्थात अभिमान में भरा हुआ, घमंड से भरा हुआ, ऐठा हुआ, सर उठाए हुए मैं एक दिन अचानक जब मुंडेरे पर खड़ा, मैं घर के छत के ऊपर की जो मुंडेर जिसको हम बाउंड्री बोलते हैं उस मुंडेर पर, बाउंड्री पर टिका हुआ खड़ा था कि क्या हुआ, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक नन्ना सा छोटा सा तिनका उड़ता हुआ आया और मेरी आंख में आकर के गिर पड़ा, मेरी आंख में पड़ गया यानी आंख में चुभ गया अर्थात आंख में चला गया। फिर क्या होता है, अग्रिम पंक्तियों के माध्यम से आप देखेंगे, मैं जैसे ही वो तिनका आंख में गिरा, आप देखते हैं छोटा सा तिनका, छोटा सा भुनगा भी यदि आंख के अंदर चला जाए, शरीर का सबसे कोमल सबसे नाजुक हिस्सा आंख होती है, आंख में यदि कोई भी जरा सा तिनका चला जाए तो फिर बहुत कष्ट होता है। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। कह रहे हैं आंख में तिनका गिरते ही मैं झिझक उठा, झिझक उठा माने दुखी परेशान हो उठा, है ना, आंख में तिनका पड़ जाने से मैं बेचैन हो उठा, हुआ बेचैन सा लाल होकर आंख भी दुखने लगी। तुरंत ही आदमी का हाथ आंख पर पहुंच जाता है और वो आंख को जोर से मलने लगता है, जिसके कारण आंख उसकी क्या हो जाती है, लाल हो जाती है, सुर्ख हो जाती है, तो लाल होकर आंख भी दुखने लगी और आंख में इतना दर्द होने लगता है, इतना कष्ट होने लगता है कि असह्य हो जाता है, मनुष्य उसको सहन नहीं कर पाता। मूठ देने लोग कपड़े की लगे,
अब जब क्या होता है कि आंख में बेचैन हुई होती है तो आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, और वो एक कपड़े की मूठ बना लेते हैं। मूठ का मतलब गठरी जैसी बना के और उस पे भाप दे के, गरम गरम मुंह की भाप दे करके वो आंख पे लगाने लगते हैं और आंख को खोल करके उसमें से जो भी तिनका या भुनगा जो कुछ पड़ा होता है उसको निकालने का प्रयास करते हैं। ऐसी अवस्था में आंख और लाल हो जाती है, तिनका निकल जाता है भले ही, लेकिन आंख दुखने लगती है। तब क्या होता है, ऐंठ जो सिर उठाए हुए बड़े ऐंठ से गर्व से खड़े हुए थे उसी बीच में बेचारी ऐंठ दबे पांव भागी, आदमी का सर नीचे हो जाता है। फिर कोई भी उसका सिर ऊपर नीचे करे आंख से तिनका निकलवाने के लिए वो अपना सिर, हर व्यक्ति का हाथ उसके सिर पर होता है, वो किसी तरफ झुकाए, ऊपर देखो नीचे देखो, सर इधर करो सर उधर करो, इस तरह से उसकी जो होती है वो ऐंठ जो है दूर हो जाती है। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, किसी भी ढब माने किसी भी तरकीब से, किसी भी तरह से आंख से जब वो तिनका निकाल दिया जाता है या जब वो तिनका निकल जाता है, तब समझ में यूं मुझे ताने दिए, समझने तब ये समझ में आया, और समझ माने बुद्धि दिमाग, तब समझ में आता है और तब वो मुझे ताने देने लगती है, बुद्धि दिमाग कहने लगता है ऐठ तातू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, मतलब एक नन्ना सा छोटा सा तिनका भी जब आंख में पड़ गया तो तू बेचैन हो गया और तेरा सर झुक गया, है ना। तो कह रहा किस लिए फिर इतनी ऐठ काय के लिए, इतना क्यों आदमी घमंड से भर जाता है, सिर उठा करके चलता है, ऐठ जाता है, जो एक छोटे से तिनके से भी बेचैन उठता है, नन्ना सा तिनका भी उसे परेशान कर सकता है और वो उसके समक्ष विवश हो जाता है। एक तिनका भी, छोटा सा तिनका भी मनुष्य का घमंड दूर करने के लिए, उसका सर नीचा करने के लिए, उसकी ऐंठ को मिटाने के लिए पर्याप्त है। तो इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से अयोध्या सिंह उपाध्याय यही संदेश देना चाहते हैं समाज को कि कभी भी किसी व्यक्ति को छोटों की, दूसरों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी मनुष्य को संकट में डाल सकता है, कष्ट पैदा कर सकता है, उसका सर नीचा कर सकता है, घमंड को उसके तोड़ सकता है, सर को झुका सकता है, इसलिए कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, कविता आपको कैसी लगी, आपको आशा है इसका भाव समझ में आया होगा। आइए इस कविता से संदर्भित इसके प्रश्नोत्तरों को, अभ्यास को का अध्ययन करते हैं। पाठ 13 एक तिनका का प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न देखेंगे। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। एक तिनका कविता में एक घटना की चर्चा करते हुए कवि कहता है कि घमंड और ऐंठन से भरा हुआ जब मैं मुंडेर पर खड़ा था तभी हवा के झोंके से उड़कर आंख में एक तिनका पड़ा जिससे आंख दुखने लगी और मन की ऐंठ और घमंड समाप्त हो गए। इससे ये संदेश मिलता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी का घमंड चूर करने के लिए तिनके सी तुच्छ वस्तु भी पर्याप्त है। प्रश्न संख्या 2 देखिए। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आंख लाल हो गई और दुखने लगी, इससे वह बेहाल हो गया और उसका घमंड और ऐंठ भी सभी नष्ट हो गए। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने उसकी आंख पर कपड़े की मूठ देना शुरू कर दिया। एक तिनका कविता में घमंड को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐंठता तू किस लिए पीर घनेरी होए, इस पूरी पंक्ति को
संक्षेप में लिखा गया है, इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है? आप बुक से पूरा प्रश्न देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तिनके का प्रयोग दोनों काव्यांश में उदाहरण के लिए किया गया है, यह समानता है और अंतर यह है कि पहले काव्य खंड में हरिऔध ने कहा है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए तथा दूसरे खंड के द्वारा उन्होंने ये बताया है कि हमें कभी किसी व्यक्ति को अपने से छोटा या तुच्छ भी नहीं समझना चाहिए। गृह कार्य के प्रश्न तीन दिए गए हैं, इनको देख लीजिएगा। एक, तिनका कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। प्रश्न संख्या दो में एक, तिनका कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। जैसा आपको याद रह गया है, जो आपके भाव हैं, शब्द हैं, उसके अनुसार इसका सारांश अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। एक, तिनका कविता के रचयिता का नाम क्या है, उन रचयिता का नाम भी लिख दीजिएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका ये पाठ समाप्त हो गया। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम आपसे अगले पाठ के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।